मैं जब भी कुछ करता हूं तो सामने वाले की स्थिति और सक्षमता देख के करता हूं। अगर मैं अष्टोत्तर सतनाम दे दूं, आप कर पाओगे उसकी गारंटी नहीं, और उच्चारण में अशुद्धि हुई तो आने की जगह जाने लगेगा फल। इसलिए मैंने बहुत सिंपल दिया, किसी को अगर लेना है भाई मुझे अष्टोत्तर सतनाम पाठ लेना, आप कर सकते हो तो हमसे खुश कौन, क्यों, कोई नहीं है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो भगवती की स्तुति पूजा दूसरे करेंगे तो बाप तो बेटा धंधा करता है वो देख के खुशी होगा, धंधा मत करिए कभी नहीं कहेगा, बाप उसी में खुश है कि धंधा करें बच्चे, मैं जो करूं वो बेटा भी करें, हर बाप चाहेगा कि नहीं। लेकिन देख रहा हूं कि बहुत सरल लोग आए हैं, इनमें विद्वान बहुत, आप जैसे कोई कवच विनियोग न्यास की जिज्ञासा रखने वाले बहुत कम लोग आए, तो जिज्ञासु लोगों के लिए वो ठीक बात है, लेकिन जिनको भाई मुझे माँ चाहिए कृपा चाहिए उनके लिए तो मैंने जितना दिया है वो अमृत है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो दे दिया है वो काम करेगा ना, मैंने माँ को पूछ के ही दिया है, जितना करने से फायदा होगा। और आप इसको सरलता से कर सकते हैं। फिर भी जब अष्टोत्तर सतनाम पाठ की बात आई तो मैं एक बार आपको अष्टोत्तर सतनाम पाठ सुनाता हूँ, ये लाइव में रिकॉर्ड भी हो जाएगा, अभी मैं सुना रहा हूँ तो लाइव में है, तो उसको देख के तुम लिख के पाठ कर सकते हो। अभी मैं सुना रहा हूँ वो पाठ, अष्टोत्तर नाम सुना रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से लिखित में लिख के जिसको इच्छा है वो बोल सकता है। उसको लाल चावल से अर्चना करते हुए, लाल कुमकुम के चावल से अर्चना करते हुए, गुलाब या कनेर से अर्चना करते हुए, इलायची या लवंग से अर्चना करते हुए भी बोल सकते हैं, या पाठ के रूप में भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ। तो सभी एक बार सुन तो लें, आज अच्छा दिन है तो कम से कम सुन लें हम, फिर समझ पड़े। क्योंकि आप चेष्टा मत करना कि ये बोलने की, अगर आपको लगे कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध बोल सकता हूँ तभी बोलना, क्योंकि अक्षरों के न्यूनाधिक मात्रा के उच्चारण मात्र से भी कभी कभी अर्थ बदलने की संभावना है, और अर्थ अनर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और मुझे बहुत कम दो चार लोग दिख रहे हैं जो पाठ वगैरह कर पाएंगे, क्योंकि जिनका पाठ जीवनचर्या हो वो कर सकते हैं, जिन्होंने भक्ति के लिए साधना ली वो विभिन्न पाठ कर पाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास नहीं है। ब्राह्मण हैं तो जन्म से ही वाक चातुर्य होता है उनमें, तो वो लोग कर भी पाते हैं, और जरूरी नहीं कि सब ब्राह्मण में ये वाक चातुर्य है, जो अनुष्ठान में रहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं वो बोल सकते हैं। साधारण लोग, मैं भी बोलूं, मैंने जो दिया है पर्याप्त है, मैंने जो भी दिया है उसमें आपको इसको बराबर करते रहोगे तो भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन तक पा सकोगे, इतना है। करते ही रहना, करते ही रहना, योग्यता बढ़ाते जाना। हाँ, क्या बढ़ाना? योग्यता। कब बढ़े योग्यता? कब बढ़ेगी योग्यता? चलो अभी अष्टोत्तर सतनाम पाठ करते हैं, उससे पहले दो चार सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको कभी कभी लगता है, यहाँ कोई भी एक चमत्कारी घटना सुनाता है कि मेरे साथ ऐसे सपना आया, मेरे साथ मंदिर में ऐसे हुआ, मेरे को रुद्राक्ष मिला, मेरे को ऐसी चीज मिली, तो दूसरों को लगता है कि मैं भी 3 घंटा जाप की, ये भी 3 घंटा कर रही है, तो इसको ऐसे कैसे हुआ, मैं भी इतना ही पढ़ाई करता हूँ जितना ये लड़का क्लास में साथ बैठ के पढ़ता है, ये फर्स्ट कैसे आ गया, होता है ना। मैं भी उतना ही खेलता हूँ जितना ये खेलता है, ये सचिन तेंदुलकर कैसे बन गया, क्या सचिन तेंदुलकर अकेले खेले होगा कि 10 लोग साथ में खेले होंगे तब क्रिकेट हुआ होगा, 10 लोग तो बाकी 10 लोग कहाँ हैं जो उसके साथ खेले, वो 10 लोग कहाँ भाई जो साथ में खेले, वो जितनी देर ये खेला उतनी देर वो नहीं खेलते तो वो क्रिकेट मैच होता क्या, यानी सब समान रूप से खेले हैं, तो क्या समान रूप से सबको सचिन तेंदुलकर बनने की सौभाग्य प्राप्त हो गया क्या, बोलिए। तो आप बताओ कि आप कितनी देर पाठ करते हो, क्या
आप कितनी देर पाठ करते हो, कितनी देर पढ़ाई करते हो, कितनी देर क्रिकेट खेलते हो, ये मायना रही नहीं रखता। जो भी उसमें विजेता हुए हैं, पाठ में सिद्ध हुए हैं, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास हुए हैं, खेल में धोनी हुए हैं, ये सब उस कार्य को एकाग्रता के साथ करते हैं। ये फर्क को ध्यान में रखिए। इधर समय मायना नहीं रखता है, मायना रखता है आप में इन्वॉल्वमेंट का। क्या चीज का? इन्वॉल्वमेंट। कितने इन्वॉल्व हुए आप उसमें? जितना आप इन्वॉल्व होंगे इतने उसमें जीनियस बनते जाएंगे, इतने आप उसमें विद्वान बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? विद्वान। इसलिए मात्र समय का ध्यान मत देना। कल मैंने पूछा तो कई लोग, हम चार घंटा फेरते हैं। तू चार घंटा नहीं, गोबर बटोरने के लिए जिंदगी भर बटोरे तो क्या अरबपति बन सकते हैं? हीरा मुट्ठी भर भी बटोर लें एक 10 मिनट में क्या हो जाएंगे? तो आप कितनी देर बटोर रहे हो ये मायना नहीं रखता। हीरा बटोर रहे हो कि गोबर बटोर रहे हो, ये मायना रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? व्हाट यू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कल चले जाओगे तो भी ये शिक्षा आपके साथ होनी चाहिए कि मुझे श्रेष्ठ करना है, सर्वोत्तम करना है, श्रेष्ठ रहना है और सर्वोत्तम रहना है। ये इतनी बात ध्यान रखोगे तो ये 8 दिन की शिविर आपके लिए पूर्ण रूप से रत्नमयी शिविर हो जाएगी। क्योंकि बड़े मुश्किल से ऐसे शिविरों में जाना होता है, उसका पूरा आपको फायदा होना चाहिए, उसका पूरा लाभ होना चाहिए। उसके लिए मंत्र को कभी मत छोड़ना, नियमित रूप से उसका पालन करना। क्या करना? पालन। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, अच्छी चीजों के लिए कल करने की मजबूरी करेगा मन। अच्छी चीज जिसमें फायदा है ना, मन बोलेगा ये कल कर लेंगे। मनोरंजन, क्रीड़ा, विकार, गंदगी, ये हाथों हाथ करना बोलेगा मन। सिगरेट उठाना, अभी के अभी पीना, जितना दिल तरसता है उतना अभी के अभी माला फेरना, ऐसे दिल तरसेगा क्या? अभी के अभी ग्लास पकड़िए, क्या करने, क्या करने? ग्लास पकड़ना, दारू, अभी के अभी दारू पीना है। जितना तलब लगेगा, जितनी प्यास लगेगी दारू की, उतनी धर्म और माला की लगेगी क्या? आप ही बताइए। मन का स्वभाव है गंदगी को तुरंत करने प्रेरणा देगी और अच्छे काम को कल के लिए टालेगी। अगर मन के ये षड्यंत्र को अच्छे से समझ के, मन जब जिस चीज को कल करने बोले तो जो कल करने बोलेगा वही मैं आज करूंगा, ऐसे जो जिद्दी करेगा वो सफल होके ही रहेगा। तू जो कल करने बोलेगा वही मैं आज करूंगा। जो जिस चीज को मन कल करने बोलता है उसको हमको क्या करना चाहिए? आज। और मन अभी कर जो चीज को बोलता है उसको अपन करना ही नहीं। फिर देखना मेरा ये उपदेश लेते चलना, आपके जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। जो चीज हाथों हाथ करता है मन, वो सब नुकसानदायक काम। जो चीज को करने में आलस करता है वो सब फायदेदायक काम है। क्या काम है? फायदेदायक। हाँ, ये फायदेदायक काम। चलो अब हम माँ का अष्टोत्तर सतनाम पाठ एक बार सुन लेते हैं, जिससे ये रिकॉर्ड हो जाए। किसी को अष्टोत्तर सतनाम पाठ करना हो तो लाइव में इसको निकाल के आप कर सकते हैं। लाइव में आपको लाइव में मिल जाएगा। एक बार लिखित में लिख लो, क्योंकि जो अष्टोत्तर सतनाम पाठ देवियों के पुस्तकों में है उसमें कई अशुद्धियां हैं। अभी इस पद्मावती में ओम श्री विद्यायै नमः एक है, श्री सब में सम्मान सूचक लगा हुआ ही है। एक्चुअली ये अशुद्धि है, माँ ने मुझे बताया कि बेटा वो ओम श्री विद्यायै नमः नहीं है, वो ओम श्री श्री विद्यायै नमः है। वो श्री विद्या विद्या थोड़ी है, वो तो श्री विद्या है। तो ऐसे कई अशुद्धियां होने से पुस्तक देख के पढ़ना कई अशुद्धियों के कारण हमारे आराधना की सिद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरा बोला हुआ लिख लो आप लोग और उसका पाठ करो, आपको फायदा होगा।
और इस पाठ को करने के पहले ही एक स्तुति बोली जाती है, वो अष्टोत्तर सतनाम पाठ का पूर्व स्तुति है, वो बोल के अष्टोत्तर सतनाम पाठ होता है। और शास्त्र कहता है कि अष्टोत्तर सतनाम पाठ को विशेष मंगलवार और रविवार भौमवारे आदित्यवासरे चपटेत ये व सिद्धिदा, तो ये बहुत ज़्यादा सिद्धि देने वाला है। तो जिसको मुंह में से उच्चारण अच्छा आता हो वो लोग इसका परायण करें, बाकी लोग तो अभी हाथ जोड़ें, अपना दो हाथ जिसका है वो हाथ जोड़ें, तीन हाथ जिसके हैं वो दो हाथ जोड़ ले, एक हाथ से मुझे आशीर्वाद दें। आजकल तो वो इंदिरा गांधी मरी म्यूजिक बजाने लग गया, वो क्यों ऐसे बजाता है? इंदिरा गांधी नहीं, मोदी जी पदवी में आ रहे हैं ऐसे बजा तू भाई मेरे, इंदिरा गांधी मरी हुई वो म्यूजिक अब किस लिए अपने को चाहिए? अपने को तो सनातन धर्म को आगे ले जाना है, और जो सनातन धर्म के रक्षक हैं उनका हमको समर्थन भी करना। ओम नमो अनेकांत दुर्बार मत सद्वंस मानवे जिनाय सकलाभीष्टदायिनी कामधेनवे स्वस्ति श्री जिनराज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री जिनराज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री कनकाद्रिसन्निभ महासिंहासनालंकृते विद्यानामदिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्मांबिके जय जय जगदम्बे भक्तकुम्भे नितम्बे हर हर दुरितम्बे दुष्टगोरोपसर्गे भव भव जिनमार्गे दुष्टगोरोपसर्गे जय जय पद्मांबिके जय जय कमलासनी माते ओम ह्रीं श्री महादेवी पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री कल्याणी पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री भुवनेश्वर्यै पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री चंड्यै पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री कात्यायन्यै पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री गौर्यै पद्मावत्ये नमः ओम ह्रीं श्री जिनधर्मपरायण्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पञ्चब्रह्मपदाराध्यायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पञ्चमन्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पञ्चव्रतगुणोपेताय पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पञ्चकल्याणदर्शिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री श्रीयै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री तोतलायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नित्यायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिपुरायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री काम्यसादिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मदनोन्मालिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री श्रीविद्यायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सरस्वत्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सारस्वतगणाधीशायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वशास्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वेश्वर्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महादुर्गायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिनेत्रायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री फणिजेकर्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री जटाबालेन्दुमुकुटायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कुर्कुट्टोरगवाहिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री चतुर्मुख्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महायशायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री धनदेव्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गुह्येश्वर्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नागराज महापत्न्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नागिन्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नागदेवतायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सिद्धान्तसम्पन्नायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री द्वादशाङ्गपरायण्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री चतुर्दश महाविद्यायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री अवधिज्ञानलोचनायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री वासन्त्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मनदेव्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मनमालायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महेश्वर्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महाघोरायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महारौद्रायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री भीतभीतायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री अभयङ्कर्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कङ्काल्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कालरात्र्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गङ्गायै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गान्धर्वनायक्यै पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री
सम्यक् दर्शन संपन्नाय पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सम्यक् ज्ञानपरायण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सम्यक् चारित्र संपन्नाय पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नराणाम् उपकारिण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री अगण्य पुण्य संपन्नाय पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गणन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गणनायक्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पातालवासिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पद्माये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पद्माश्याये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मलोचनाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री प्रज्ञप्त्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री रोहिण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री झुम्बाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री स्तंभिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मोहिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री जयाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री योगिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री योग विज्ञान्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मृत्यु दारिद्र्य भंजिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री क्षमाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री संपन्न धरण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्व पाप निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री ज्वालामुख्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री महाज्वालामालिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री वज्रशृङ्खलाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री नागपाशधराये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री दौर्याये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री शेणितालफलान्विताये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री हस्ताये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री प्रशस्ता प्रशस्ताये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री विद्यार्याये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री हस्तिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री हस्तिभागिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री वसन्तलक्ष्म्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गीर्वाण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वाण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मविष्टराये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री बालार्कवर्णसङ्कासाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री शृङ्गाररसनायिक्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री अनेकान्तत्मतत्त्वज्ञाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री चिन्तितार्थफलप्रदाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री चिन्तामण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कृपापूर्णाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री पापारम्भविमोचन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कल्पवल्ली समाकाराय पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री कामधेनवे पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री शुभंकर्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सद्धर्मवत्सलाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सद्धर्मोत्सववर्धिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वपापोशमन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वरोगनिवारिण्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री गंभीराये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री मोहिन्ये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री सिद्धाये पद्मावत्ये नमः ॐ ह्रीं श्री शेफाली तरुवाशिन्ये पद्मावत्ये नमः। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। साचे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद देने वाली जगदम्बा मैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की